गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कहा कि लॉकडाउन इसका कोई स्थायी विकल्प नहीं है। लॉकडाउन के दुष्परिणाम सबने देखे हैं। लॉकडाउन का मध्य प्रदेश में कोई विचार नहीं है, सबको सावधानी के साथ रहना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने किसानों को कर्ज माफी के धोखे में रखा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, सभी को सावधानी बरतते हुए कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन कोरोना का कोई हल नहीं है और इसके दुष्परिणामों को सबने देखा है। कांग्रेस की कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने किसानों को धोखे में रखा और कर्ज माफ नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को कर्ज मिल नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक जनता के बीच गए नहीं, अब चुनाव में जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही। कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है। अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है क्योंकि वो स्थायी निदान नहीं है और लॉकडाउन के दुष्परिणाम भी हम सब ने भी देखे हैं और इसलिए सावधानियों के साथ दैनंदिनी की आदत डालें और कोरोना के साथ भी आदत डालें। अब ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है, अब ये सिर्फ वायरल करने पर ही नारे अपने लगवा सकते हैं, पब्लिक तो इनके नारे लगाने से रही। ग्वालियर यात्रा का फजीता भी आपने देख लिया होगा, क्या स्थिति थी कमलनाथ जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब गए नहीं और जब गए तो फिर लोग नहीं, दूसरे दिन की स्थिति आप सब ने देखी होगी। और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, उस ओरिजिनल वीडियो को भी देखें, वैसे जनता ने लाइव देखा है आप सबके चैनलों पर। किसान को धोखे में रखा कर्जा माफी का कहने से तो दुष्परिणाम तो दिखाई देते हैं। कह दिया 10 दिन में 2 लाख माफ कर देंगे, भरोसे में रहा, नोडूज नहीं मिल पाया, नया कर्जा नहीं मिल पाया, निराशा के आगोश में गए। जाए जाने को कौन रोक सकता है, लेकिन कम से कम इस बात को तो स्पष्ट करें कि ऐसा किसान के साथ ये कांग्रेस ने धोखा दिया क्यों। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।